अगर ए रियल और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, रियल एंड सिमेट्रिक, तो पी इनवर्स ए पी जो है ये इक्वल होगा किसी डायगोनल मैट्रिक्स के। देखिए इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। अगर ए रियल और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो भी रियल आएंगी। हमने एक थ्योरम पढ़ा था, इनसे पीछे वाला ही थ्योरम है कि ए की जो आइगन वैल्यूज आती है वो रियल आती है। ठीक है, उसका भी मैं वैसे प्रूफ दे दूंगा पहले। बल्कि ये एक अगर रियल और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की जो आइगन वैल्यूज आती हैं वो आपके पास, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स रियल और सिमेट्रिक हो तो उसकी जो आइगन वैल्यूज है वो हमारे पास हमेशा रियल आती हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स है एक, और इसके पास जो आइगन वेक्टर है वो एक्स है सपोज कर लेते हैं, और इस आइगन वेक्टर के लिए जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है। तो डेफिनेशन के मुताबिक ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओके, तो मैं इधर से शुरू करता हूँ इसको। लैम्डा के साथ मैं लिखता हूँ एक्स ट्रांसपोज एक्स को। ठीक है, ये यानी कि इसी आइगन वेक्टर को लिखा और साथ में इसका ट्रांसपोज लिखा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का ट्रांसपोज लैम्डा एक्स। ठीक है, क्योंकि लैम्डा तो कोई आइगन वैल्यू, कोई रियल नंबर है, तो इसको तो आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, बाद में लिखें या पहले लिखें, एक ही बात है। सो एक्स ट्रांसपोज लैम्डा एक्स की जगह पे आ जाएगा ए एक्स। ठीक है, इस डेफिनेशन के साथ। सो एक्स ट्रांसपोज, अब इसको जो है ना ऐसे लिख लेते हैं, एक्स ट्रांसपोज वैसे ही आया, और ये जो ए एक्स है इसको मैं लिख लेता हूं इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए एक्स का ट्रांसपोज इनटू एक्स। ठीक है, देखिए आप जब इसको ओपन करेंगे तो पहले एक्स का ट्रांसपोज आएगा, इसको ओपन करके देखें, ये सेम चीजें हैं दोनों। इसको ओपन मैं इधर करता हूँ, इसको ओपन करेंगे पहले एक्स का ट्रांसपोज आएगा, फिर ए आएगा, ए का ट्रांसपोज आएगा, एंड से ट्रांस, पहले इसको ओपन होता है फिर इसको आता है, फिर ये वाला एक्स आएगा। एक्स का ट्रांसपोज तो वैसे ही रहा, ए का ट्रांसपोज तो ए के इक्वल ही होगा बिकॉज ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की डेफिनेशन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सो एक्स का ट्रांसपोज वैसे ही रहा, ए का ट्रांसपोज ए हो गया, और ये एक्स भी, तो इसको ओपन करने से यही चीज आएगी। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओके, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, ए जब इसको आप इस तरह से लिखेंगे ना, तो इसके ऊपर जो है ना इस तरह से ए बार डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो रियल है, और रियल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि उसका कॉन्जुगेट लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए कॉन्जुगेट इक्वल टू ए ही आता है। तो इसकी जगह मैंने, और एक्स इसको मैंने वैसे ही लिखा, इसके ऊपर ट्रांसपोज, ठीक है, और साथ इसमें एक्स। ओके, इधर ये बार भी डाल लेते हैं, इधर से शुरू करते हैं एक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका मैं कंजुगेट लेके चल रहा हूँ, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, यानी कि मैंने इसमें मैट्रिक्स जो आइगन वेक्टर था उसका मैंने कंजुगेट ट्रांसपोज और साथ एक्स लिया हुआ है। अब इधर आके ना इसको, ये ए एक्स इक्वल है लेमडा एक्स के, तो दोनों तरफ कंजुगेट ले लें, तो ए एक्स का कंजुगेट इक्वल हो जाएगा लेमडा एक्स के कंजुगेट के। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ, ए एक्स का जो कंजुगेट है ये इक्वल होगा लैम्डा एक्स कॉन्जुगेट के, तो ट्रांसपोज वैसे ही एक्स, इसको लिख सकते हैं लैम्डा का कॉन्जुगेट, और लैदा लैदा हो जाएगा कॉन्जुगेट जो है। ठीक है, ये इधर से ऊपर ट्रांसपोज वैसे ही एक्स। जब मैं ट्रांसपोज ओपन करूंगा तो पहले आपके पास एक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आएगा, और लैम्डा तो रियल नंबर है, इसका ट्रांसपोज तो लैम्डा ही रहेगा, ये रियल नंबर को टू का ट्रांसपोज तो टू ही होता है ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स या वेक्टर को फर्क पड़ता है।
तो ये चीज आ गई। तो लैम्डा को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, रियल नंबर है, इसको पहले लिखा जा सकता है। तो लैम्डा कंजुगेट को पहले लिख लेते हैं, तो बाकी आपके पास आ जाएगा एक्स कंजुगेट ट्रांसपोज इनटू एक्स। बेसिकली इधर से मैंने शुरू किया और मैं इधर आ गया, यानी कि मैंने एक्स लैम्डा एक्स कंजुगेट ट्रांसपोज एक्स से शुरू किया तो मैं आ गया लैम्डा एक्स कंजुगेट ट्रांसपोज एक्स पे। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही नहीं आ गए, तो मैं इनको आपस में कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि एक्स तो मेरे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, एक्स कंजुगेट का ट्रांसपोज एक्स भी नॉन जीरो होगा, तो नॉन जीरो नंबर का तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो दोनों तरफ राइट साइड पे सेम है, तो कैंसिलेशन लॉ से ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ते हैं अभी निकाल सकते हो। सो लैम्डा इक्वल आ गया लैम्डा कंजुगेट के। हम पढ़ते थे जी इक्वल टू जी कंजुगेट इफ एंड ओनली इफ जी इज रियल नंबर, तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज रियल। तो अगर मैट्रिक्स आपका रियल है तो लैम्डा जो आइगन वैल्यूज है वो भी रियल निकलेंगे, तो इधर से लैम्डा जो है वो रियल प्रूव हो रहा है। अच्छा ये रियल प्रूव हो गया, अब इस थ्योरम की तरफ आ जाए कि ये एग्जिस्ट, ये बड़ा इजी है। उसने कहा ए रियल और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो इस तरह डायगनल बनाया जा सकता है। ए अगर रियल और सिमेट्रिक है तो उसके पास जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो रियल आएंगी। आइगन वैल्यू जब रियल आएंगी और हमने पढ़ा है कि वो जितनी आइगन वैल्यूज आएंगी रियल उनके लिए जो आइगन वेक्टर आएंगे, ठीक है, डिफरेंट आइगन वैल्यूज जो आएंगी मेरे पास जो कि सारी की सारी रियल आएंगी, उनके लिए जो वेक्टर आएंगे ये हमने पीछे प्रूफ किया है वो वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओके सो मेरे पास आइगन वैल्यूज जो है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मेरे पास आइगन वैल्यूज रियल आनी है इस थ्योरम से, और उनके लिए जो आइगन वेक्टर आने हैं वो ऑर्थोगोनल आने हैं, जो पीछे थ्योरम हम लोगों ने प्रूफ किया है। और चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था कि ऑर्थोगोनल वेक्टर जो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, चैप्टर 7 में एक थ्योरम है, इसका मतलब है मेरे पास सारे के सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट आने हैं। जब सारे के सारे वेक्टर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आने हैं तो आपके पास जो पी बनना है, जो पी कैसे बनता है, आइगन वेक्टर से, ठीक है, पहला आइगन वेक्टर इधर आता है, दूसरा इधर, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर से, क्योंकि आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे हैं तो वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे, तो आपके पास पी बन जाएगा। जब ये पी बन जाता है तो हमेशा पी इनवर्स को जब किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया जाए और इस तरफ पी से किया जाए तो मेरे पास डायगनल मैट्रिक्स बनता है। तो ये बाद लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आने चाहिए, तो रुके आने या ऑर्थोगोनल होने की वजह से, तो पी इनवर्स ए पी मेरे पास लाजमी तौर पे डायगनल मैट्रिक्स बनेगा। सो डायगनल मैट्रिक्स मैं लाजमी तौर पे बना सकता हूँ, तो ये इस थ्योरम का प्रूफ होगा।